KSN 24 पल पल की खबर। शासन ने गांव को जोड़ने सड़क पुल निर्माण के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो बारिश के होते टापू में तब्दील हो जाते हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें ग्रामीणों ने दर्द से करा रही प्रसूता को खाट में लिटाकर नदी पार कराया, तब कहीं जाकर वह अस्पताल पहुंच सकी। मामला कोरबा जिले के सरहदी गांव तुलबुल की है, जहां ग्राम पंचायत कर्री का आश्रित ग्राम तुलबुल चारों ओर घने जंगल व नदी नालों के बीच बसा हुआ है। यहां रहने वाले परिवार सामान्य दिनों में आसानी से आवाजाही कर लेते हैं, लेकिन बारिश शुरू होते ही ग्रामीणों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस मुसीबत से गांव में रहने वाले अनिल यादव को भी गुजरना पड़ा। दरअसल शुक्रवार की सुबह अनिल की पत्नी सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। वह पत्नी को बाइक में बिठाकर अस्पताल के लिए रवाना हुआ, किंतु जब बेरला नाला पहुंचा तो पानी अपने पूरे उफान पर था। इस नाले को प्रसूता के साथ बाइक में पार कर पाना संभव नहीं था। ऐसे में अनिल ने परिजनों के साथ पत्नी को खाट में लिटाकर नाला पार कराया, तब कहीं जाकर उसे गौरेला स्थित अस्पताल में दाखिल कराया जा सका, जहां सुनीता ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दी। खास बात तो यह है कि करीब सप्ताह भर पहले भी गोंदाबाई नामक एक महिला के परिजनों ने खाट से नाला पार कराया था। उसके अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई, जिससे प्रसव के थोड़ी ही देर बाद नवजात शिशु की मौत हो गई। वहीं शनिवार को कल्लू प्रसाद नामक एक बीमार ग्रामीण को भी परिजनों ने कंधे में बिठाकर नाला पार कराया। ग्रामीणों की माने तो यह समस्या उनके लिए आम बात हो गई है। उन्हें बारिश के शुरू होते ही अनहोनी की चिंता सताने लगी है। ताजुब की बात तो यह है कि ग्रामीणों ने बिरला नाले में पुल व सड़क निर्माण के लिए शासन प्रशासन से गुहार भी लगाया, लेकिन ग्रामीणों को आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये नदी पे जो बिरला नदी पे पुल नहीं बनने से आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा आपके ग्राम पंचायत के निवासियों को? मैं उप सरपंच लेखरा महिर ग्राम पंचायत कर्री से, और समस्या ये है कि मतलब ये जो नदी है बेला नाला है और ये तुलबुल गांव में बहती है, और इस यहाँ कम से कम 100-150 घर के लोग यहाँ निवास करते हैं, ठीक ना। और यहाँ से ही मतलब कई प्रकार के, जैसे हम लोगों को डेली ले जाना रहता है पसान, छोटे छोटे बच्चे हुए वो जाते हैं, स्कूल पार करके जाते हैं इस नाले को, स्कूल पार करके जाते हैं लोग पढ़ने के लिए। और प्लस उसके अलावा मतलब कोई भी जैसे मरीज हुआ, अभी 3-4 दिन पहले की घटना है, यहाँ मतलब डिलीवरी वाले 3 जने गए, उसको हम लोग, अभी बरसात था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, उनको हम लोग खाट में पार करके मतलब नदी पार किए हैं, खाट में बिठा के, उसके बाद फिर उस तरफ से जाके हम लोग कोई वो बनता है। और यहाँ से डेली पसान आवागमन होता है दूध लेके, हर प्रकार के मतलब दूध यहाँ व्यवसायी पूरा जितने हैं लगभग 50% आबादी यहाँ के दूध के ऊपर निर्भर है, और दूध लेके जाते हैं उनको ही मतलब डेली, मतलब जैसे ज़्यादा पानी। कितने ये नदी है, कितने गांव को जोड़ता है ये नदी? यहाँ से पसान मतलब यहाँ तुलबुल हुआ है आपका, बाघिन नाड हुआ। मांग है, आप क्या चाहते हैं? हम लोगों का मांग यही है कि मतलब जितना जल्दी हो सके यहाँ पुल निर्माण हो जाए, बाकी उसके अलावा हमारा कोई मांग नहीं है। और हमारा समस्या यही है, पुल बन जाता है तो हमको किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं है, पुल बस एक ही मांग है हमारा कि यहाँ पास पुल होना चाहिए। क्या किन प्रकार की समस्याओं का आपको? मैं मना था तो बोल रहा हूँ, यहाँ पर बरसात में बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है स्कूल आना जाने के लिए, जो बरसात में 3 महीने तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और लगभग ये जैसे हमारे जैसे सेमरा से पसान जोड़ती है रोड, जिसमें आवागमन बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए नाले में पुल बनना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस समस्या से अवगत तो कराए होंगे, जैसे किसी भी पार्टी ने बड़े नेताओं को इसका जानकारी कई बार दिए हैं, कई बार पेपरबाजी में भी आया है, और कई बार विधायक आए हैं, मतलब विधायक जी जानकारी दे दिया जा चुके हैं। किस प्रकार का आश्वासन दिया जाता है उनके द्वारा, क्या बोला जाता है? ये पास हो चुका है, बन जाएगा, अब बन जाएगा, इस साल बन जाएगा। कितने सालों से ऐसी स्थिति निर्मित है यहाँ पर? तकरीबन 20 साल से करते आ रहे हैं, मतलब 20 साल से आप लोग परेशान है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं जी। इधर स्कूल अपना प्राइमरी स्कूल इधर है, मिडिल स्कूल इधर है, जो बच्चे पूरा इधर के हैं वो बिल्कुल 3 महीने स्कूल जाने जा। सबसे ज़्यादा मतलब समस्या आप लोगों को मरीज को ले जाने में होता है, बच्चों को होता है जी, जो मतलब ऐसा है कि बरसात के समय में आप कहीं जा ही नहीं सकते, 3 महीने तक बहुत दिक्कत होता है। KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरबा से रितेश गुप्ता की रिपोर्ट।